विचार सुना है वो ये है कि ईश्वर हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। उसी तरह जिस प्रकार ईसा मसीह पिता ईश्वर के पुत्र हैं, हम भी पिता ईश्वर के पुत्र हैं। पुराने नियम में इसराइल को ईश्वर ने अपना पुत्र कहा था, पहलौठा पुत्र। मलाकी की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 10वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही ईश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की? इसराइल दो कारणों से ईश्वर को अपना पिता मानता था, वो ये है सृष्टिकर्ता होने के नाते ईश्वर हमारे पिता हैं, और दूसरी बात इसराइल को इजिप्त की गुलामी से मुक्त करते हुए ईश्वर ने इसराइल को अपना पुत्र होने का दर्जा दिया है। और नए नियम में हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर को आबा कहकर पुकारते हैं। आबा सिर्फ अपना बच्चा ही अपने पिता को बुला सकता है। ईश्वर को पिता के नाम से पुकारने के लिए आबूना नामक शब्द अरमाइक भाषा में उपलब्ध था, लेकिन आबा अर्थात पापा वो सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह ने ही पहली बार ईश्वर को बुलाया था। और ईसा मसीह ने वह अधिकार हमें भी प्रदान किया है अपने दुख भोग क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा। उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम पवित्र आत्मा को स्वीकार कर सकें, और पवित्र आत्मा को पाने के कारण ही हम ईसा मसीह की ही तरह ईश्वर को अपना आबा कहकर पुकार सकते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र 4:6-7 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। तो ये है सुसमाचार, अब हम दास नहीं हैं, अब हम गुलाम नहीं हैं, हम पिता ईश्वर के पुत्र हैं। इकलौते पुत्र ईसा मसीह ने वो अधिकार हमें भी दिया है, अपने विरासत का अधिकार उन्होंने हम में भी बांट दिया है। इसलिए योहन ने अपने पहले पत्र के 3:1-2 वाक्य में ये कहा, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हम खुशी मनाएं और हिम्मत से ईश्वर को आबा कहकर पुकारें, क्योंकि बपतिस्मा के अवसर पर ही हम ईश्वर की संतान बन चुके हैं। हमें बस इस बात पर यकीन करना है और उस हिम्मत के साथ हमें जीवन बिताना है। ईश्वर आपका अनुग्रहित करे, आमीन।